आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं आइडिया वोडाफोन स्टॉक के बारे में। जब से 29 जुलाई 5G ऑक्शन का डेट आया है उस समय से देखेंगे तो इस स्टॉक में काफ़ी अपट्रेंड दिख रहा है और अराउंड 7.50 रुपीज़ से इस स्टॉक में इस समय का लगभग 9 रुपीज़ के आसपास का प्राइस चलते हुए दिख रहा है। अराउंड 15-20% तक के इस स्टॉक में अपट्रेंड दिखे हैं। लेकिन एक कंसर्न की बात यह है कि कल हमने देखा कि प्री क्वालिफाइड बिड्स 5G ऑक्शन को लेकर के आते हुए दिखे, जिसमें जियो हाईएस्ट रहा था डिपॉजिट के लिए अराउंड 14,000 करोड़, और अडानी को लेकर के थोड़ा सरप्राइजिंग था जिस प्रकार से ये टेलीकॉम में आई और जो प्री क्वालिफाइड बिड था वो अराउंड 100 करोड़ ही था, तो जो थोड़ा शॉकिंग लगा। लेकिन आइडिया को लेकर के देखिए तो इसका भी जो प्री क्वालिफाइड बिडिंग था वो अराउंड 2,200 के करोड़ के आसपास का ही था। तो पर्सनली मेरा कंसर्न इस स्टॉक के रिगार्डिंग ये है कि अगर टेक्निकली इस स्टॉक को अपट्रेंड जाना है या फंडामेंटली सस्टेन करना है तो 5G कैटेगरी में श्योरली आना पड़ेगा, जिसके लिए कंपनी को फंड की ज़रूरत है। अगर यहाँ से फंड रेज नहीं कर पाती है तो थोड़ा बहुत जो शेयर होल्डर हैं उनके लिए पेनफुल हो सकता है। तो मेरा कहना यही है कि इस स्टॉक में अगर आपने होल्डिंग बना रखा है तो पोजिशन लाइट रखें, हेवली इस स्टॉक में डिप्लॉय कैपिटल करने की गलती नहीं करें, क्योंकि रिस्क रिवार्ड काफ़ी फेवरेबल नहीं दिखता है। हालांकि आप चाहें तो होल्ड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म टारगेट इस स्टॉक में 12 तक के शॉर्ट टू मीडियम टर्म विद इन 3-6 मंथ के ड्यूरेशन में दिख सकता है, लेकिन आप फॉर लॉन्ग टर्म यानी आप 5-7 साल 10 साल के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो थोड़ा एक बार आपको फिर से खुद से भी रिसर्च करना चाहिए।